भारत चीन के बीच तकरार और कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से चीन में काम कर रही विदेशी कंपनियां देश से बाहर भागने पर मजबूर हैं, पर अब तक इसका सबसे ज्यादा फायदा वियतनाम जैसे देशों को ही मिल पा रहा था। हालांकि इस वर्ष मई जून में भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, जिसके बाद से चीन से बाहर जा रही कंपनियां भारत को ही अपना ठिकाना बनाने का फैसला कर चुकी हैं। इसी कड़ी में अब देश में प्लांट लगाने के लिए करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा विदेशी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जताई है। इन कंपनियों में सैमसंग और एप्पल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन कंपनियों की भारत में $150 करोड़ यानी कि तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना भी है। वहीं ताइवान की कंपनी डीलिंक इस दिशा में कुछ बड़ा करने जा रही है। दरअसल डीलिंक ने 2013 में कहा था कि वो भारत को अपने लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है। वहीं जब पिछले कुछ वक्त से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर अपने चरम पर था, तब डीलिंक ने भारत में अपनी रुचि दिखाना शुरू कर दिया था। कथित तौर पर डीलिंक भारत में अपने नेटवर्क उपकरणों के आउटसोर्सिंग उत्पादन पर विचार कर रही है। ताइवान की कंपनी ने भारत के भीतर बेचे जाने वाले उपकरणों के लिए स्थानीय उत्पादन शुरू करने की योजना भी बनाई है। भारत में उत्पादन को आउटसोर्सिंग करके डीलिंक का लक्ष्य भारत की PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाना है। यहां हम आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। भारत में अधिक से अधिक विदेशी कंपनियां आने का मतलब है कि अधिक निवेश, अधिक रोजगार और सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के इंसेंटिव स्कीम से अगले 5 सालों में 10 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा किया जा सकेगा। इससे भारत की मेक इन इंडिया योजना को भी बढ़ावा मिल सकेगा। देश की GDP में भी सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान सिर्फ 15% है। सरकार चाहती है कि ये योगदान कम से कम 25% हो। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भारत दुनिया का बादशाह बनने जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ताकतवर बनाएगा। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत चीन आर्थिक युद्ध में भारत चीन को पटकनी देता दिखाई दे रहा है। लद्दाख में मुठभेड़ से शुरू हुआ यह आर्थिक युद्ध अब चीन की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने जा रहा है।